लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे आंटी कैसी हैं आप, इतने अरसे बाद बात हो रही है। पाकिस्तान कब आई आप अमेरिका से? हाँ हाँ बिल्कुल, आप आए हमारे साथ रहे, आपका अपना घर है, बताएं क्या काम है। सही सही क्या मैंने आपके साथ रहना है? अच्छा कोई कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर आंटी, आप बस आ जाए यहाँ पे, आराम से बैठकर बात कर लेंगे, ठीक है? जी जी इंतजार रहेगा आपका आंटी, ओके बाय। मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि मेरी आंटी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। हाँ आंटी आने वाली है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बच्चू जानी जरीना बच्चू जानी कहाँ रह गए सब? जी 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 मैडम। अरे बाबा क्या हो गया, एकदम से बुला लिया, जल्द चला गया है क्या? अरे क्या है, क्यों बुला रही हो? मैडम खैर तो है, क्यों बुलाया? वो मैंने असल में आप लोगों को ये बताना था कि मेरी ना आंटी आ रही है। तो भला क्या करे, तुम्हारी आंटी आ रही है तो उसका इस्तकबाल करने के लिए क्या दरवाजे पे खड़े हो जाएं? नहीं 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 बस थोड़ा ख्याल रखना, कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर। अरे बाबा मैंने कब की है कोई ऐसी वैसी बात? अरे जरीना वो कह रही है बस ख्याल रखना। कब आ रही है? अब बस किसी भी वक्त आ रही होंगी। अरे बाबा चलो अच्छा है, आपकी आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ बस आप ना थोड़ा अच्छे से रहना। अरे बाबा मैं क्या अभी बुरा सा हूँ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस थोड़ा कपड़े अच्छे अपना हुलिया अच्छा कर लेना। अच्छा बेटा मैं चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, बल्कि जरीना तुम भी थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ अब तक। अरे बाबा तैयार तो मैं वैसे भी रहती हूँ, इस घर में वैसे भी खूबसूरत छोकरियों की बहुत कमी है। बच्चों प्लीज समझा देना, वो मेरी जो आंटी है ना वो मीडिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, तो बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। अरे बाबा कौन से ड्रामे बनाए हैं उन्होंने? नहीं ड्रामे नहीं, वो ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हैं। बाबा ये कौन सी फिल्में होती हैं? वो दस्तावेज आती फिल्में। अरे बाबा ये तो मैंने पहली दफा सुना है नाम, ये कौन सी होती हैं? अब खैर उसको छोड़े, आप प्लीज ख्याल रखिएगा, वो ऐसी वैसी मत कीजिएगा। हाँ बाबा आप कह रही हैं तो ख्याल रखूंगा। बस ठीक है। अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। हाँ हाँ और जल्दी आना, आंटी किसी भी वक्त आने वाली है। अच्छा सुनो जी जी मैडम वो बोले बोले इनका वो सिखाना सिटी लाइफ। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं, मेरे मुंह पे करो बाबा सीधा सीधा बात। मैं फेंको। हाँ हाँ कुछ भी नहीं, मैं कहती जल्दी जाए जल्दी आए ना। आप मैं जाऊं बाबा या खड़ा रहूं यहीं पे? बाबा आप कपड़ा चेंज कर लो ना। अरे बाबा ठीक तो है, ये तो मैं ईद पे पहनता हूँ बाबा, आज पहन लिया आपकी आंटी के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। इसको नीचे करो ना। अरे बाबा क्या है ये, ठीक है ये सही हो गया, ये पटका। बाबा इसकी तरफ नहीं आना, ये हम नहीं खोलेगा, ठीक करना पड़ेगा ना। नहीं बाबा ये ठीक है बाबा, बस छोड़ दो इसको। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट है? मैं तमीज और तहजीब भूल जाऊंगा कुछ देर और अगर इनको सिखाया तो। अरे बाबा ये जो कह रहे हैं ना हमसे नहीं होता है बाबा, हम जैसा हूँ वैसे ही रहेगा। ऐसे मत देखे आप, मेरे बस की बात नहीं है ये। अच्छा चलो ठीक है, मगर बच्चों देखिए जब तक जरूरत ना पड़े तब तक ना आप कुछ बोलेंगे नहीं प्लीज। अरे बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आएगा तो उससे बात तो करनी होगी ना बाबा। हाँ हाँ मगर जब तक आपसे बात ना की जाए तब तक आप भी बस कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं बाबा ये हमसे नहीं होगा बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चू माय काओ बॉय प्लीज। अरे बाबा आप जब ऐसे बोलते हो ना दिल करता है मैं जान ही दे दूं। नहीं 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 जान देने की जरूरत नहीं है, बस जो कहा है वो मान ले। अच्छा बाबा आप कहते हो तो मान लेते हैं। लगता है आंटी आ गई,
जानी जाओ जाके देखो, तमीज तहजीब और एहतराम के साथ आंटी को अंदर लेके आना, समझे? ठीक है। जबकि तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, हमको पता है। जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे भाई आ रहा हूँ यार। अरे बाबा ऐसा क्या देख रहा है? कभी जिंदा औरत नहीं देखी है क्या? जिंदा तो देखी पर इतनी जिंदा नहीं देखी। क्या मेरा किससे मिलना है? तेरे साहब से। चल बीच में से हट यहाँ। रुके रुके रुके, ऐसे कैसे अंदर जा रही हैं आप? वरी अभी अंदर जाने का वीजा लेना पड़ेगा क्या? अरे अपनी शनाख्त तो कराए, हैं कौन? बहुत सवाल जवाब करता है, मेरे को जानता नहीं है कौन हूँ मैं। हट बीच में से, बाहर रिक्शे वाला खड़ा है, उसको जाके पैसे दे दे। मैं कहाँ से पैसे दूँ? हाँ यार तेरी कहाँ से आ गई यार ये बला, तू भा यार। अच्छा मैं पैसे दे ही हूँ। तो दिमाग खराब करता। उई गोड़ा रे गोड़ा, ये तो मेरे को जरीना नहीं लगती है। कौन है तुम? मैं सीमा, आप कौन? सीमा हो के बीमा, वरी मेरे को क्या पता कौन है तुम? आप ऐसे कैसे मेरे घर में चली आई? ए छोकरी तमीज से बात कर, मेरे को जानती नहीं है, दो मिनट में गंदा कर देती हूँ। अरे आप हैं कौन और मेरे घर में कैसे घुस के आ गई? ओ चली, तेरा घर किधर से आया? ये मेरे भांजे का घर है, हट इधर से। बड़ी आई। ए बच्चू, ए जरीना, ए किधर है जरीना? अरे गला गला, कैसी है आप बाबा, कैसी है? क्या हाल है गला, सब ठीक है? सब ठीक। गला इनसे मिलो, गला ये मेरी बेगम है सीमा। मिल चुकी हूँ, बड़ी बदतमीज है। हाँ खाला, हमको पहले से मालूम है। खाला माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं था मैंने आपको। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, बड़ी अभी तो पहचान गई है ना। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, जब तक मैं इधर हूँ अभी मेरी मर्जी चलेगी। खाला आपका घर है? हाँ खाला, वैसे भी आपके होते हुए भला इस घर में फिर किसी और की कैसे चल सकती? मेरी नहीं चल सकती तो इसकी कैसे चलेगी? जीतते रहो मेरे बच्चों, जीतते रहो, सदा खुश रहो। बाबा इधर मेरा दिल नहीं लगेगा, मेरा बंदोबस्त पार कर। ठीक है खाला, इसी बहाने मैं भी आपके साथ बाहर ही रहूंगा, गाँव की याद ताजा हो जाएगी बाबा। मैं भी साथ रहूंगी। ठीक है ठीक है। क्या आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? कानून में लिखा है क्या ऐसा नहीं हो सकता? वरी जो मैंने कह दिया सो कह दिया। बाबा कल चले बाहर, चले बच्चू, आपके खानदान में भी ना एक से बढ़कर एक पीस है। अरे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओहो आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। अरे बाबा मैं समझ रहा हूँ बाबा, आप हमारी तारीफ कर रही हैं। जी नहीं, ऐसी तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। अच्छा फिर कैसा है? अब बच्चू ना मेरी खाला आ रही है अमेरिका से, मेरी आंटी, तो वो अब बाहर वो सब, और फिर आपकी खाला वो तो बिल्कुल गाँव आने लगती है। अरे बाबा गाँव की है तो गाँव की तो लगेंगी ना। मुझे नहीं पता, कुछ करें आप। बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी भी तरह आप खाला को ना इस घर से निकाल दे। अरे बाबा कैसी बातें करती हैं, हम मेहमान को घर से नहीं निकालते, ये तो फिर मेरी माँ की जगह अपनी खाला को मैं घर से कैसे निकालूं? बच्चू माए, खबरदार खबरदार सही खबरदार, बेगम यही रुक जाओ सीमा, कुछ नहीं कहना, ना ना बिल्कुल नहीं। क्या मुसीबत है? खट्टा मीठा खट्टा मीठा। क्या बात है खला, वाह वाह, ये सब क्या हो रहा है? हलिया हलिया, अच्छा तू भी गांव के मजे ले ले। गांव? अरे ये शहर है। अरे बाबा ये तो हमको भी पता है, मेरी खाला आई है ना तो हमने अपने घर को भी गांव बना लिया है। अब बच्चों आप भी? अरे बाबा इतना अच्छा माहौल देखकर मुझसे कहाँ रुका जाएगा, अब मैं भी यहीं रह गया हूँ। लेकिन बच्चों मैंने आपको कुछ कहा था? बाबा क्या बोला था हमको भी बता। आपने कौन सा सुन लेना है? इसको क्या हुआ है?
छोकरी के तेवर तो देखो, मेरे साथ ज्यादा बकवास नहीं करना। ए खबरदार, मेरी खाला आई, उससे तमीज से बात करना। अरे छोड़े ना बेगम, आप भी आ जाएं, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा इसको क्या हुआ है? अरे खाला ये बिचारी हैरान हो गई ना कि हमने शहर में अपना गांव कैसे बना लिया, इसीलिए। अरे खाला ये सब छोड़े, लस्सी बनाते हैं, लस्सी पिएंगे बाबा। वाह वाह वाह। जानी जानी कहाँ मर गए हो तुम? आया आया मैडम, बुलाया मैडम आपने? हाँ देखा तुमने, बाहर क्या चिड़ियाघर बनाया हुआ इन लोगों ने। अरे मैडम सुबह से ऑफिस के कामों में मसरूफ हूँ अंदर। ओ इन देहातियों ने मेरे घर को गाँव बना दिया, मेरा घर कम गाँव ज्यादा लग रहा है। अच्छा है ना, जरा अलग अलग लगेगा इस दफा। बकवास बंद करो। तो मैडम मैं क्या करूं? ओहो कुछ तो करो, किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से हटाओ, मेरी आंटी आने वाली है, क्या बोलेंगी? मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या बताओ? एक काम करें, आप उनको फोन करें और कहें वो घर पे रहें, मैं आती हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया है। मिला मुझे नहीं पता इन लोगों को किसी भी तरह यहाँ से भगाओ, इससे पहले कि मेरी आंटी आ जाएं। अच्छा चले मैं कुछ करता हूँ, मैं अभी उनको भगाता हूँ। जाओ देखो उनको। मजे आ रहे मजे। जानी ए घोड़ा रे घोड़ा, बड़ा है मारू कुछ जानी के लिए, शर्म कर अपनी जाल को समझा। अरे नहीं खाला, इसका नाम जानी है। सीमा नाम है ये जानी? अरे खाला ये जो सो रहे ना, इसका नाम है जानी। अच्छा अच्छा ठीक है, सोने दो बेचारे को। अरे क्यों सोने दो? जानी अरे मजा आ गया, कई सालों के बाद ने मजे की नींद आई है। मैडम मैं तो कहता हूँ आप भी यही आके सो जाएं, बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें क्या करने भेजा, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अरे बाबा लस्सी पियो, लस्सी लस्सी। मजा आ गया हाला, मजा आ गया। गुस्सा नहीं कर, तू भी पी ले। नहीं चाहिए, थैंक यू। हर वक्त गुस्से में रहती है। अब आपको बेगम पे कंट्रोल वंट्रोल नहीं है बच्चू भाई आपका? अरे बाबा तुम नौकर है हमारा, एक दफा मालिश किया तुम औकात से बाहर आ गया, तभी से नौकर है तुम हमारा। मालिश जबरदस्त जबरदस्त मालिश थी। ये बात अदा आया ना, अदा आइए देखो ये सब क्या है। अरे बाबा आपने देखा नहीं है, हमने बाहर गाँव बनाया है। मुझे ना मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बाबा गुस्से में हो तो लस्सी पियो, सब गुस्सा ठंडा। मुझे नहीं पीनी, बस आप किसी भी तरह सबको यहाँ से हटवाएं। नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, आपने जो करना है कर लो बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चू जानी तुम किसी गुंडे उंडे को जानते हो? खैर तो है, क्योंकि ये अब टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। क्योंकि ऐसी की तैसी इस पूरे सर्कस को उठवाओ और फेंकवाओ यहाँ से। अरे क्या कह रही है क्या कह रही है, रिश्तेदार है आपके। और तुम मेरे मैनेजर वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा बताइए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है बच्चों को पिटवाना पड़ेगा, वरना अपनी खाला के साथ मिल गया, ऐसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुंडे को बुलाओ, उनको यहाँ से खाली करवाओ। ठीक हो गया, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है मैं करता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है। खाला कभी भी पहुँचने वाली होंगी, कफटेंगे लोग यहाँ से। गाड़ी तो देखो गोल गोल अंदर घूम रहा है कुछ। ऐसे घूमती है, तेरे को भी ला दूंगी, खुश रहे खुश रहे। अल्लाह करे मेरी शादी हो जाए। ए बड़ी भी चलो, ये सर्कस बंद करो, चलो निकलो। युतर चश्मा, तू डंगू है? आप कौन? ये तो मेरे बचपन का नाम है। बाबा मैं तेरी उस्तानी जिसने तेरे को अलिप बे सिखाया, ये तूने अपना हुलिया क्या बनाया है? उस्तानी रज्जो? हाँ बाबा। बस उस्तानी जी, आज अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आज माफ कर दो। ये चरिया तू किस काम पे लग गया है, उठाओ अभी जूती है। आज से ये काम बंद उस्तानी जी, बस अल्लाह के वास्ते आज माफ कर दो। वादा? अल्लाह का वादा, बिल्कुल पक्का वादा। ठीक है खाला भी इसको बोलो कि ये उठक बैठक करे। माफ कर देना आज, आज माफ कर दे बस। चल अभी कर उठक बैठक। अच्छा 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 करता हूँ करता हूँ करता हूँ। एक दो तीन बस। चल बस अभी जा
वापसी में इंसान बनकर आना। मैं अभी हूँ इधर हफ्ता दो हफ्ता। बिल्कुल उस्तानी जी। चल निकल यहाँ से। और जिसने तुझे यहाँ भेजा था ना, जाके अभी उसकी ठीक ठाक धुलाई कर। धना धन धना धन धना धन। उस्तानी जी ये जो कह रही है लगाऊं उसकी पिटाई? इजाजत है आपकी? इजाजत है, ये आखिरी दफा है। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। चल बड़े भज्जे बुलिया बदल के आना, बड़ा चेन वेन पहन के आ गया, डाकू की तरह डाकू ही लग रहा है। कहाँ मारा उस आदमी ने, ख्याल भी नहीं किया। अरे बाबा इसको क्या हो गया है? वो बार गड़े में गिर गया था। अरे बाबा ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? लगी तो है ना। अरे एक काम करो बाबा, तुम बाहर आओ, तुम्हारा मालिश करता है हम तेल से। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा इतना प्यार बच्चू भाई। अच्छा आप जाए, मैं आता हूँ। आ जाओ बाबा, आ जाओ, इंतजार करो। अरे लमिया क्या क्या दिखा रहा था दुनिया में, तो बहुत ही बुरा हुआ। आपके साथ क्या हुआ? वो तो मेरे साथ है, अंग अंग दुख रहा है। जानी, क्या करें? खुदा का वास्ता है, जो करना है खुद करना है। शुक्र करें बच्चू भाई के साथ पुलिस रही थी, वरना मसला हो जाता। ये अच्छा आइडिया है, पुलिस को बुला लेते हैं, है ना? हेलो बेग साहब। हाँ खट्टा मीठा मीठा। वाह खाला क्या लस्सी है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई बच्चू ये सब क्या है? अरे बेग साहब ये हमारी खाला आई है गांव से, ये कहती है कुदरती जिंदगी गुजारो बाबा। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। पुलिस वाले भाई बैठो, खड़े अच्छा, खड़े अच्छा, तक अच्छा। जाओगे भाई मसला ये है कि अरे मसले को छोड़ो साईं, लो ये लस्सी पियो बच्चू, लस्सी दे इनको। हां खाला क्यों नहीं। आ बाबा गिलास किधर गया? खाला ने अपने हाथ से बनाई है। हाँ। ये लो बेग साहब, बड़े मजे की है। वाह भाई वाह, बड़ी मजेदार लस्सी है, मजा आ गया भाई। आज तक इतनी लजीज लस्सी नहीं पी मैंने कहीं। बेग साहब आपको सीमा मैडम अंदर बुला रही हैं। ओए चलो अंदर, अभी आता हूँ मैं। भाई आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबा कुछ नहीं, जब दिल करे ना इधर आ जाना खाने के लिए, मैं तुझे और भी मजे मजे की चीजें खिलाऊंगी। अच्छा अच्छा खाला मैं जरा अंदर से होके आता हूँ। वो तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं बेग साहब कहाँ रह गए। अरे आपने हटा दिया उनको? नहीं, और अब इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों भाई, उन्होंने घर पे कब्जा किया है मेरे। कब्जा? बाहर आपकी नंद और आपके शौहर उनके साथ बैठे हैं और आप कहती हैं कब्जा? हाँ लेकिन देखिए ना, ये तो बिल्कुल ही गैर अखलाकी हरकत है। देखें बीबी मेरा मुंह ना खुलवाएं, ये अखलाक की बातें आप पे अच्छी नहीं लगती। इस घर में किसी ने मुझसे आज तक एक गिलास पानी का तो पूछा नहीं और आप अखलाक की बातें करती हैं। उस खातून ने तो मुझे पेट भर के खाना भी खिलाया और लस्सी भी पिलाई। ऐसे लोगों को निकालते नहीं है बल्कि सर पे बिठाते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और गौर से सुन ले, अगर किसी ने उनको तंग किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा है? और हाँ फिर कानून हरकत में आएगा, ख्वाह कोई औरत हो या मर्द हो। अब क्या कहें? खुदकुशी। अरे आप खामखा टेंशन ले रही, इतनी रात हो गई अब कहाँ आएंगी आंटी? हाँ वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो, मुझे भी लगता है अल्लाह करे अब आई ना। हाँ लगता है आंटी आ गई, अल्लाह मेरी खैर नहीं। एक मिनट मैं देखता हूँ, अल्लाह करे कुछ केबल का बिल वाला आया हो। अरे आंटी आ गई, आंटी आ गई। क्या? हाँ चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीती रहो, ये बताओ बाहर क्या हो रहा है सब? बाहर वो असल में वो क्या, चलो मेरे साथ। रुके तो सही। अच्छा मैं आपको एक बात जरा जरा आई आंटी। सही है।
अरे ये सब क्या है? वो गांव का माहौल है जी, आए आप भी बैठ जाएं, मैं आपको साग रोटी खिलाती हूँ और लस्सी भी पिलाऊंगी। आंटी आए बाबा, बैठे बैठे। हाँ आई, आपको गरम गरम रोटी और लस्सी का गिलास भी पिलाएंगे। चुप करो ना। क्यों चुप करो? आंटी आई एम सो सॉरी। किस बात का? वो आपको ये सब देखना पड़ा ना। अरे मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आई थी, मुझे गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, और यहाँ आके मुझे पता चला कि ये तो पूरा गांव का माहौल बना हुआ है। तुमने मेरा काम आसान कर दिया सीमा, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम आंटी, नो प्रॉब्लम। अल्लाह की शान है, देखो लड़की, बाहर वालों को भी ऐसी चीजें पसंद आती हैं। सीमा अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। अब कौन सा वादा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, चलो बैठ जाओ इस गांव में। हैं? हाँ, जब तक डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो सब यही रहेंगे, और तुमको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। क्या? नहीं। बेग साहब आप ये बताए, मोहल्ले में चेक किया आपने उसको? नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर मोहल्ले में किसी ने मुझे चेक कर लिया तो। क्या मतलब है आपका? जाने बताओ, कुछ पता चला? अरे बाबा कुछ नहीं पता चला, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। बेचारे पर इतना रोब डरती थी ना, डर के भाग गया। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तो ऐसे छोटे से बिल्ली का बच्चा ना, डर के चला गया। ठीक है वकील साहब, पूछे जो पूछना है। वकील है? तुम तो गिरते हामिल है। बच्चों की बात ज्यादा गौर से मत सुने आप, इस वक्त किसी को भी वो कुछ भी कह सकते हैं। बच्चू भाई, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रिश्वत लेता है, झूठे केस बनाता है, माफी मांग अल्लाह से, अल्लाह से डर, से मत डर। मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे तो बाजी कह देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बाजी बहन तो सब ये है तुम्हारी जरीना। तो फिर फुप्पो बन जाए, वैसे भी मार्केट में आजकल फुप्पो बहुत शार्ट चल रही है। मन्नु भाई मोटर चले पम 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 पम, मोटर चले चम 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 चम। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।